राजधानी दिल्ली में 11वें वैश्विक कृषि नेतृत्व सम्मेलन में AgroWorld 2018 का आयोजन किया गया। भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद द्वारा आयोजित इस एक्सपो में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया और देश के किसानों के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। पेश है ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के IERI स्थित पूसा संस्थान में आयोजित AgroWorld 2018 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने देश के किसानों के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाते हुए पिछली सरकारों पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। की रिपोर्ट वर्ष 2006 में प्रस्तुत की गई थी, परंतु जब तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनी थी तब तक इस पर बहुत कम काम हुआ था। सौभाग्यवश पिछले 4 वर्षों के दौरान किसानों की स्थिति और आय में सुधार करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। AgroWorld 2018 के आयोजक और भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद के चेयरमैन डॉक्टर MJ खान के मुताबिक देश में मैल न्यूट्रिशन एक बड़ी चुनौती है, इसलिए हमने इस कार्यक्रम में हेल्दी फूड इनिशिएटिव लॉन्च किया है। माल न्यूट्रिशन है, जो अंडर नरिशमेंट है, वो बहुत ज्यादा है। भारत में ही 25% के आसपास जो जनता है, जो मासेज हैं, वो अंडर नरिश्ड हैं, तो ये एक बड़ी चुनौती है। अब ये जो कार्यक्रम है इसमें कोशिश ये है कि एक हेल्दी फूड इनिशिएटिव लॉन्च किया है। उसका आइडिया ये है सेफ फूड प्रोड्यूस हो और न्यूट्रिशियस फूड प्रोड्यूस हो। गौरतलब है कि हर साल भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद द्वारा वैश्विक कृषि नेतृत्व सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में इस बार भी 11वां वैश्विक कृषि नेतृत्व सम्मेलन के तहत ICFA द्वारा पूसा संस्थान में AgroWorld 2018 का आयोजन किया गया। कृषि क्षेत्र के सतत विकास के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों के लिए चलाई जा रही नई नई योजनाओं और नीतियों की जानकारी देने के लिए राजधानी दिल्ली में वर्ल्ड फूड 2018 एक्सपो का आयोजन किया गया। उम्मीद की जाती है कि इस एक्सपो के आयोजन से न केवल किसानों को कृषि क्षेत्र में हो रहे तकनीकी नवाचारों की जानकारी मिलेगी, बल्कि पोषण युक्त खाद्यान्न उत्पादन कर देश को खाद्य उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद मिलेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन मोहित जोशी के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली।